So, hello everyone. Finally, we are starting our trip to Gaza. So, almost set to go. आधा घंटा लगा हमने सब कुछ रेडी करने को. KTM Duke 200, all set. आगे टैंक बैग, पीछे मेरा लगेज बैग और अरुण की हिमालयन. बस ऑलमोस्ट सेट हो रही है. सो इट्स 4 in the morning. वैसे 3 बजे निकलने का प्लान था बट 4 बज रहे हैं. ये भी ओके टाइम है, कोई बात नहीं. तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं. कोशिश है जल्दी से जल्दी शिमला तक पहुँचने की सो दैट ट्रैफिक कम से कम मिले. सो लेट्स गो. तो अभी टाइम आ गया है हमारे फर्स्ट ब्रेक का. चला तो लिया, थोड़ा ज़्यादा चला लिया दो. अभी हम अभी टाइम हुआ है 6:15. ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए चलाते हुए. पंप थोड़ी फ्लैट हो गई थी तो उसको थोड़ा दोबारा नॉर्मल करने के लिए थोड़ी ब्रेक ली है. रास्ते में थोड़ा अंधेरा था तो फिर ज़्यादा मैं शूट किया नहीं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था, ना रोड दिखना था ना कोई व्यू दिखना था. बट अभी थोड़ा दिन है और व्यू अच्छा है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, इसके बारे में. अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हमने बेसिकली चंडीगढ़ से भी स्टार्ट किया. हमारा आज का फर्स्ट स्टॉप है रामपुर, सोच के चले हैं. होपफुली वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वेल एंड गुड, और आगे पहुँच जाएंगे तो और बढ़िया है. और मेरे साथ कौन है, मेरा लंगोटिया यार अरुण. अरुण ने पहली बार हिमालयन चलाई है. हमने हाँ वैसे हमने हिमालयन रेंट करी है और सो फार अच्छी चल रही है. बाकी भाई बताएगा कि कंफर्ट 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 लेवल थोड़ा ठीक है. थोड़ा और ज़्यादा होता तो बेटर होता बट फिर भी मतलब कंपेरेटिवली ठीक है. जो प्राइस इसका है उसके हिसाब से जस्टिफाई करती है. बाकी देखते हैं ट्रिप में पता लगेगा इसका असलियत क्या है. जैसे मतलब एक रफ रोड पे जाके ज़्यादा आइडिया, ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगा. अभी लेंगे थोड़ी सी ब्रेक, चाय पानी, फिर आगे मिलेंगे. चाय, ब्रेकफास्ट और बढ़िया व्यू, और क्या चाहिए अच्छे ट्रिप में, रोड ट्रिप में. ब्रेकफास्ट के लिए रुके, मस्त पराठे वाठे खाए हैं, पेट एकदम फुल. अभी आगे आगे देखते हैं. मौसम तो अभी तक बढ़िया है, होपफुली आगे भी अच्छा मिलेगा. चाय से याद आया, जो लोग मेरे को जानते हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं तो चाय पीता नहीं. हाँ मैं चाय नहीं पीता लेकिन हमेशा जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ या फिर कहीं बाहर जाता हूँ ना तो ये बंदा मेरे को चाय पिलाता है और मैं पी भी लेता हूँ. तो चाय पी ली है, होपफुली चाय अब चुस्ती लेके आएगी. थोड़ी चुस्ती फुर्ती सब लेके आएगी. यहाँ का व्यू इतना ऑसम है ना, हमने तो एंजॉय कर लिया पर आप एंजॉय करो इस टाइम लैप्स. शेरे पंजाब ढाबा. ट्रिप चाहे हमारा हिमाचल का है पर होटल हमारा शेरे पंजाब है. नाइस व्यू, एवरेज फूड. ऊपर सेब के पेड़ होंगे. हाँ सेब ही है. We are all set and geared up for the upcoming rain. अब देखते हैं क्या होता है आगे. Hopefully बारिश होएगी कि नहीं होएगी ये तो नहीं पता बट अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है. रेन कवर बैग को भी, रेन कवर खुद को भी. हाँ
का चला हुआ है, तो पीछे बारिश, फिर धूप, गर्मी इतनी, अब आगे दोबारा मौसम ऐसा। सो फाइनली हम रामपुर पहुंच गए। वैसे तो हमारी आज की डेस्टिनेशन थी, लेकिन हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं मार्केट में गया था, कुछ जुगाड़ का इंतज़ाम करना था जो कि मैं आने वाले टाइम पे बताऊँगा। अभी तो अरुण वेट कर रहा है बाइक के पास, फटाफट उसके पास जाना है। सो अपडेट अभी ये है कि हम पहुंच पाए हैं जौहरी तक, जो कि है अराउंड रामपुर से 20 किलोमीटर आगे। हमें यहाँ तक पहुंचने में एक घंटा लगा, जो कि हमारा कल का एक घंटा कम हो गया। इट्स गुड। सो अभी यहाँ पे एक्चुअली एक ही होटल था और कोई ऑप्शन नहीं थी, बट होटल ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, हमारे लिए ओके है, क्योंकि हमें तो वैसे भी मतलब थकान की लेवल यहाँ तक पहुँच गया। और अपने को तो सिर्फ एक सोने के लिए आप ज़मीन भी मिल जाती खाली, तो वे सो जाते, तो फिर भी होटल का रूम है तो अपने को चलेगा। बाकी मैं आपको एक जुगाड़ के बारे में बता रहा था, वो जुगाड़ था ये एक सस्ते से ब्लूटूथ ईयरफोन है। ये क्यों खरीदे हैं, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू बाय ब्लूटूथ इंटरकॉम ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें हेलमेट के थ्रू, बट वो हो नहीं पाया एंड टाइम तक। देन अरुण केम अप विद द सॉल्यूशन टू यूज एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसका नाम था आई गेस वॉकी टूथ। तो उसके लिए मेरे को ये चाहिए थे, तो मैं जो कि मैंने रामपुर से खरीदे थे, वो ऐप ने काफ़ी इंप्रेस किया हमें, क्योंकि उसकी वॉइस क्वालिटी इट्स एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ इंटरकॉम। डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, 40-60 मीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन हमने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा अभी तक। और उसमें काफ़ी ऑप्शंस थे आई गेस, हमने ब्लूटूथ से ट्राई किया, वाईफाई डायरेक्ट से ट्राई किया, इट्स गुड, हेल्प अस अलॉट। सो अभी कल का प्लान है, कल हम जाएंगे नाको तक जाएंगे, सुबह 8-9 बजे निकलने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम डूइंग दिस वॉइस ओवर बिकॉज आई लॉस्ट माय ऑडियो फॉर सम रीजंस। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। एक्चुअली आज हमारा थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान था, बट रात को अरुण की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसे पूरी रात वॉमिट होती रही, मे बी ड्यू टू डिनर वी हैड लास्ट नाइट। और उसने मुझे बताया भी नहीं बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब मी। और जैसे मुझे पता चला आई गेव हिम मेडिसिन, और उसके बाद वी थॉट कि हम थोड़ा रेस्ट करके फिर निकले। तो जैसे कि आज की हमारी डेस्टिनेशन है नाको, तो अभी हमें थोड़ा ब्रेक्स कम लेके कंटिन्यूसली राइड करना पड़ेगा, तो मोस्टली अभी मैं बाइक पे बैठ के ही शूट करूँगा। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। टाइम सर हो गया 10:45। ओके, यहाँ पे हम एक चेक पोस्ट पे रुके थे, डिटेल्स वगैरह एंटर करवाई हैं। किन्नौर स्टार्ट हो गया यहाँ से, सो लेट्स गो।
वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन आज की, जो कि थी नाको। हमने यहाँ पे एक होम स्टे लिया है, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ओवर होटल्स और कोई भी लग्जरी जगह से, क्योंकि होम स्टे हमेशा ज़्यादा सिंपल होते हैं और कनेक्टेड होते हैं यहाँ के लोगों से। सो अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, स्टिल मैं लाइट के साथ थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ। रास्ते में रोड अच्छा था, बीच बीच में एक पैच गंदे पैचेस थे, लेकिन जो मेन जो रोड था वो अच्छा था। नैरो हो रहा था आगे जाके, और एक दिन एंड नाको से कोई 10-15 किलोमीटर पहले एकदम सडन राइज, एकदम चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, जिग-जैग, मतलब मज़ा आ गया उसको चलाने में भी, और जो व्यू था ऑसम। और अभी मैं निकला हूँ थोड़ा सा यहाँ का विलेज एक्सप्लोर करने। अरुण रूम पे रेस्ट कर रहा है, उसको उस लास्ट नाइट जैसे मैंने बताया था उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो अच्छे से सो नहीं पाया था, तो अभी वो रेस्ट कर रहा है, डिनर के टाइम पे उठेगा। जो विंटर में हम इसी में खाना बनाते हैं, जो कमरे का जो टेम्परेचर है बिल्कुल गर्म कर दी गई। अच्छा, अभी नहीं चलाते, अभी नहीं चलाए ना, विंटर में चलाते हैं। जब आप नवंबर के बाद जो भी कस्टमर आते हैं फिर वो इसी यहीं ठहरते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ बॉनफायर करा देते हैं। नवंबर के बाद भी यहाँ पे आप आते हैं? दिसंबर जनवरी पूरे स्नो में भी आते हैं। आते कैसे, रोड से ही? बाय रोड, स्नो बॉर्डर वाले रोड बर्फ स्नो कटर से उठा लेती ना। अच्छा, तो सर्दी में भी आते हैं कस्टमर। ओके, तो ये बॉनफायर है, बिल्कुल कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म कर दिया। ऐसी जगह पे आके अगर आपको एक सादा खाना मिल जाए, वो भी अच्छा टेस्टी घर का बना हुआ, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और वैसे भी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आज मुझे, और स्पेशली हमारे दोस्त को। अब ठीक है, अब एकदम फिट है, अभी आज थोड़ा नींद लेगा अच्छी सी तो सुबह एकदम फिट हो जाएगा, तो कल फिर हम आग लगा देंगे। तो आई गेस आज ये वाला एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी लेंथ होगी, आईडिया से ही अभी तक शूट किया है, मेरे आईडिया से यहाँ तक फर्स्ट एपिसोड रहेगा। सो सी यू टुमारो। मेरा हाथ एकदम से सुन हो रहा है फोन को पकड़े पकड़े, भाई 200 ज़्यादा ले ले, लैंड करा दे।